शिखरस्थ अवस्था के समय एक व्यक्ति फैसला कर ले कि मैं 60 साल के बाद राजनीति छोड़ना चाहता हूं और अपने आप को मैं ग्रामोदय के लिए समर्पित करना चाहता हूं, और घोषणा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। और जब आज उनका शताब्दी वर्ष मनाते हैं तो उनके ग्रामोदय के काम के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल कलाम जी जब नौजवानों से बात करते थे तो हमेशा नाना जी देशमुख के ग्रामीण विकास की बातें किया करते थे। जब आपातकाल आया, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़नी थी, उस समय नाना जी ने जेल में रहते रहते संदेशवाहकों की मदद से चिट्ठी चपाटी भेज भेज करके एक माहौल बनाया कि हमने अपने सारे राजनीतिक मतभेद छोड़ करके एक बार एक होना चाहिए, और उसी में से जनता पार्टी का जन्म हुआ। एक संगठक के रूप में, राजनेता के रूप में, एक रचनात्मक कार्य के समर्पित सेवक के रूप में, अनेक रूप में नाना जी ने हम सबके लिए बड़ा प्रेरक काम किया।